नागपुर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा गुरु नानक देव जयंती निमित्त आयोजित प्रभात सिमरन प्रवचन में एडवोकेट ममता ने कहा कि कार्तिक वहां में प्रभात स्नान महत्वपूर्ण व फलदायी है इस संबंध में एक पौराणिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि नर्मदा नदी के किनारे देवतास गांव में एक ब्राह्मण बालक कार्तेश रहता था जो बहुत ही विद्वान था परंतु बहुत ही उग्र व अहंकारी था उसने अपने तपोबल से अत्याधिक शक्तियां अर्जित की थी वह परमात्मा के जीवों को प्रताड़ित कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा एक बार देवर्षि नारद वहां से गुजरे तो उन्होंने इस भयानक राक्षस जैसे कार्तेश को देखा जिसके बदन से दुर्गंध आ रही थी नारद ने उसे कहा तू अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली मानता है तो मेरी वीणा तोड़कर दिखा वरना मेरी शरण में आ जा अहंकारी कार्तेश अपनी अर्जित शक्तियों से सारे प्रयत्न कर थक गया लेकिन वह वीणा नहीं तोड़ सका अतः नारद जी के आगे नतमस्तक हो गया वह कार्तिक मास था नारद जी ने उसे प्रातः चार बजे स्नान कर प्रभु सिमरन गुणगान व आरती करने को कहा ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में उसके दुर्गुण चले गए इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा करना फलदायी साबित हो सकता है शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार और प्रकाश जाधव और नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याणी के नेतृत्व में रविवार को गणेश टेकड़ी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना की गई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की गई इस अवसर पर सुमित लिल्हारे अनिकेत इंगले शुभम बराई अभिलाष और सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित थे आने वाले मनपा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भाजपा को विजय मिले इसके लिए प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा कि उसके लिए पुराने नगर सेवकों व पदाधिकारियों से संपर्क बढ़ाए आपसी तालमेल से विश्वास बढ़ता है वे रामदास पेट स्थित सेंटर पॉइंट होटल में प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आगामी मनपा चुनाव में तीन सर्वे करवाए जिसके साथ स्थानीय जनता हो उसी को टिकट देकर जीत सुनिश्चित करें किसी का मन दुखा है तो उसके साथ सरलता से बातचीत करें और उन्हें अपने साथ जोड़ें। अनेक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है परंतु उसका रिएक्शन नहीं करें। वे पार्टी के निर्णय के साथ हमेशा खड़े रहे अनेक स्थानों पर उम्मीद होती है जीतने की किन्तु दिखता कुछ है और परिणाम कुछ और आता है इसलिए जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे इस अवसर पर अनेक उदाहरणों का उल्लेख गडकरी ने किया उन्होंने बताया कि किस तरह गलत निर्णय से दूसरी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए जस दिसते तस नसते मनु जग फसते ये कहावत भी उन्होंने प्रस्तुत की आपसी छोटे छोटे विवाद खत्म कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की सलाह गडकरी ने दी नंदनवन स्थित श्याम धाम में देव उठनी एकादशी के पावन दिन पर बाबा श्याम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर सुबह सात बजे भव्य श्याम निशान यात्रा राणा प्रताप नगर स्थित गणेश मंदिर से निकालकर शहर के कई इलाकों में भ्रमण करते हुए श्याम धाम पहुंची। बड़ी संख्या में शाम प्रेमियों ने निशान यात्रा में भजनों के साथ नाश्ते गाते हुए हिस्सा लिया शाम धाम को सजाने के साथ ही कलकत्ता के फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया रात आठ बजे से मंदिर में शाम प्रेमियों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की गई जन्मोत्सव आरती छप्पन भोग दर्शन एवं रात में विशेष आरती की गई बाबा की अलौकिक दर्शन का लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उठाया बाबा के जन्मदिन के अवसर पर विशेष मावे का केक काटा गया श्याम प्रेमियों ने बाबा के जन्मदिन को भारी उत्साह के साथ मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी देश के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्र सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जयंती धूमधाम से मनाई गई इस अवसर पर देशवासियों ने उन्हें याद किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों ने भी एक कार्यक्रम में उनका अभिवादन किया शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने मस्का साथ इतवारी स्थित उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पंडित नेहरू विशाल दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे जिन्होंने भाईचारे समतावाद व आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश के विकास की नींव रखी और इन्हें मूल्यों के संस्करण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए राकापा मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी और मध्य नागपुर महिला कार्याा उर्मिला राउत ने कार्यक्रम का आयोजन किया रिजवान अंसारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत स्नेह था इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहा करते थे 1947 में देश के आजाद होने पर वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 17 वर्ष यानी 1964 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं के नाम पे है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार सुबह साढ़े छह बजे केंद्र परिसर में लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया इस आयोजन में मुंबई महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित मिलिंद रायकर द्वारा वायोलिन वादन की प्रस्तुति दी गई इस संगीत सभा का उद्घाटन कॉन्सेप्ट एंड इवेंट्स के निदेशक विजय जथे पंडित मिलिंद रायकर एवं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के निदेशक डॉ दीपक खिरडवार ने दीप प्रज्वलन कर किया पंडित मिलिंद रायकर ने अपनी प्रस्तुति का आरंभ राग ललित की सुमधुर प्रस्तुति से किया इसके पश्चात उन्होंने अलहिया बिलावल पर नाट्य गीत राम एवं भजन की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी कार्यक्रम का समापन इन्होंने भैरवी की सुंदर प्रस्तुति से किया इन्हें पर 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 यज्ञेश रायकर ने ने सहवादन तबले तरुण लाला एवं पर सुश्री रामटेके साथ संगत की कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती श्वेता शेलगावकर ने किया इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर की विशेष उपस्थिति रही इस प्रातःकालीन संगीत सभा में भारी मात्रा में दर्शकों की उपस्थिति रही जिन्होंने कलाकारों की प्रस्तुति को काफी सराहा आधुनिक भारत के शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें अभिवादन कर भारत माता सभागृह देवडिया कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना भा पटोले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर प्रभारी वीरेंद्र भाई जगताप शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे एडवोकेट अभिजीत वंजारी दिलीप सानंदा पूर्व मंत्री अनिस अहमद प्रदेश महासचिव विशाल मुत्तेमवार महासचिव उमाकांत अग्निहोत्री महासचिव अतुल कोटेचा सचिव संजय महाकालकर संदेश सिंगलकर गजराज हट्टेवार प्रशांत धवड़ रमन पैगवार बंडोपंत टेम्भुरे दिनेश बाना बाकोडे, सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण आगरे महिला कांग्रेस प्रज्ञा बड़वाईक अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इरशाद अली की प्रमुख उपस्थिति में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाई गई कृत्रिम महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया यह महंगाई विरोध जन जागरूकता अभियान के दौरान 14 नवंबर से 29 नवंबर तक ब्लॉक और वार्ड स्तर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी टोपी पहनकर प्रातकालीन प्रभात फेरी में शामिल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से महंगाई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा पहली बार देवड़िया कांग्रेस भवन में नाना पटोले और राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर का संयुक्त कार्यक्रम हुआ इतवारे अनाज बाज़ार स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हर्ष के साथ अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ इस अवसर पर समूचे मंदिर परिसर को फूलों व दीपमालाओं से सुसज्जित किया गया और भगवान को पाँच बजे छप्पन भोग अर्पित कर ट्रस्ट अध्यक्ष गजानन अग्रवाल सचिव मधुसूदन अग्रवाल के हस्ते आरती की गई शाम छह बजे अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया करीब चार हजार भक्त जनों ने जिसका लाभ लिया सफलतार्थ संतोष कुमार अग्रवाल अजय कुमार अग्रवाल राजेश खंडेलवाल शिव कुमार अग्रवाल पवन कुमार पोदार श्याम सुंदर अग्रवाल मुकेश खंडेलवाल सुधीर खंडेलवाल सचिन अग्रवाल आदि ने प्रयास किया श्री लालसोट ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित अन्नकूट प्रसादी शनिवार सोलह संपन्न हुआ इसी कार्यक्रम के साथ भगवान श्री परशुराम की भव्य प्रतिमा स्वरूप का पूजन श्री परशुराम नगर मोड़ पर होटल सेंचुरी के पास समाज के गणमान्य प्रमुख मान्यवरों के शुभ हस्ते एवं उपस्थिति में संपन्न हुआ प्रमुख अतिथि के रूप में महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी एवं विशेष अतिथि के तौर पर नगर सेविका हर्षला मनोज साबले उपस्थित रहे उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व चांडक लेआउट का नामकरण परशुराम नगर हो गया है प्रतिमा स्वरूप साकार होना समाज के लिए गर्व का प्रसंग है जिसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनोज बाबू साबले के विशेष प्रयासों के लिए उनका विशेष आभार लालसोट ब्राह्मण सभा ने व्यक्त किया सर्वश्री पूर्व अध्यक्ष घनश्याम जी शर्मा विप्र फाउंडेशन के डॉक्टर महेंद्र शर्मा परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ के विश्वजित भगत पांगोपाल कृष्ण पांगला उपस्थित रहे सफलतार्थ कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी सर्वश्री हरीश शर्मा चंद्रशेखर पांगला, विनोद पुरोहित किशोर तिवारी संजय शर्मा अनिल शर्मा गोविंद शर्मा गोविंद जयपुरिया चिरंजी लाल शर्मा रतन हट्टी का गजानन पुरोहित दीपक शर्मा अक्षय शर्मा किशोर पुरोहित समस्त कार्यकारिणी व सतीश शर्मा आदि पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए मंच संचालन अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने किया लक्ष्मी पूजन होने के पहले या बाद में हम में से बहुत से आम नागरिक घर की मिट्टी की मूर्तियों को खुले आम सार्वजनिक जगह पर रख देते हैं वास्तव में ये बहुत गलत और शर्मनाक बात है ऐसे ही प्रभाग 24 में ऐसी ही मिट्टी की भगवान की मूर्तियां बहुत सी जगह देखने को मिली प्रभाग नगर सेवक व पूर्व सभापति मनपा प्रदीप पोहाने ने ये मूर्तियों को जमा कर अपनी कार में ले जाकर विसर्जित किया वाकई में ये एक उपक्रम के साथ नागरिकों को सीख लेने जैसी बात है जिन मूर्तियों को हम पूछते हैं उन्हें ऐसे जगह छोड़ देना मतलब भगवान का अपमान करना है और नागरिकों को ऐसा करने से बाज आना चाहिए राज्य में बैलगाड़ी दौड़ किसानों का रुचि का विषय है इस संबंध में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राज्य सरकार इस दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य में बैलगाड़ी दौड़ शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है वे बैलगाड़ी दौड़ के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और राज्य सरकार के वकीलों के साथ विस्तृत चर्चा के लिए आज दिल्ली पहुँचे थे इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये जानकारी दी महाराष्ट्र ने 2017 में बैलगाड़ी दौड़ शुरू करने के लिए एक कानून पारित किया था हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी इसके बाद सरकार ने आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी मामला एक विस्तारित पीठ के समक्ष विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अगले सप्ताह निर्णय लिए जाने की संभावना है केदार ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से वर्तमान अधिवक्ताओं से चर्चा की गई है देश के अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश पंजाब गुजरात छत्तीसगढ़ में अभी भी बैलगाड़ी दौड़ होती है हालांकि मुंबई हाईकोर्ट के स्टे के चलते महाराष्ट्र में दौड़ पर रोक लगा दी गई है जाने माने पार्श्व गायक शब्बीर कुमार ने अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया इंडियन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सेव आर्ट सेव वार्ट आर्टिस्ट मिशन के तहत शनिवार को हारमोनियम इवेंट्स की ओर से शब्बीर कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट का आयोजन सुरेश भट्ट हॉल रेशिम बाग में किया गया इस कार्यक्रम की संकल्पना हारमोनी इवेंट्स के निदेशक राजेश समर्थन ने की थी और इसमें पुणे की मनीषा निश्चल और स्वाति खड़से ने शिरकत की थी कार्यक्रम का संचालन श्वेता शिलगावकर ने किया था विजया वाइन देशकर व वा सोनाली हिवरकर को विशेष सहयोग मिला कार्यक्रम की शुरुआत मनीषा निश्चल ने चिट्टिया गाने से की स्वाति खड़से ने आगे भी जाने और विजय ने ओ साथी रे परफॉर्म किया लंबी जुदाई और 16 बरस की इन गीतों को मनीषा ने गाया था उसके बाद पार्श्व गायक शब्बीर मंच पर पहुंचे एक हंसी शाम को वो जब याद आए पर्वतों से याद तेरी आएगी गोरी है कलाइया जब हम होंगे बादल यू गरजता है दिल बेकरार था आदि गाने गाए उनके साथ मनीषा और स्वाति भी थी कार्यक्रम के दौरान सात संगत पंकज सिंह अरविंद उपाध्याय अमर शेंडे रितेश द्विवेदी अशोक टोकालवर अनिकेत ताहेकर अक्षय हरले महेंद्र वाटकुलवर ने की कला मंच के तत्वावधान में मन की बात स्नेह मिलन का रोचक आयोजन इंदिरा नगर स्थित स्नेहांचल वेदना शमन केंद्र परिसर में किया गया कार्यक्रम में मंच पर देवता लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर बावने वरिष्ठ उद्घोषक किशन शर्मा स्नेहांचल के सदस्य नवीन देश एवं कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा उपस्थित थे अतिथि स्वागत डॉक्टर रवि गिरहे लक्ष्मण निनावे विपिन लूथरा डॉक्टर जी एस खंडेलवाल मानसी भानक्कर निशा श्रीवास्तव आदि ने किया अपने प्रस्ताविक में अनिल मालोकर ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया एवं हास्य व्यंग की रचनाएं प्रस्तुत कर समा बांध दिया इस तरह गार्गी विशिष्ट एवं दयाशंकर तिवारी ने सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर भाव विभोर कर दिया कार्यक्रम में विशेष रूप से जगदीश बुधराजा किरण श्रीचंद चावला अनु अनिल खत्री डॉक्टर सोनू यश चावला गार्गी अंकुश अग्रवाल सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्षा जया खत्री बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक सुरेश सिरसीकर आदि को सम्मानित किया गया अपने संबोधन में किशन शर्मा ने रोचक संस्मरण सुनाकर मंत्र मुक्त कर दिया कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र सतीजा ने किया आभार संतोष बुदराजा ने माना कार्यक्रम में डिम्पल चावला डॉक्टर आशीष खंडेलवाल आरपी वैद्य आशीष श्रीवास्तव अविनाश बागड़े विलास वैतागे हिमांशु भांधक्कर आदि की उपस्थिति रही स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल ने बालक दिन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों के नियमों का पालन करते हुए पूरी सतर्कता के साथ अपने अपने घरों में रहते हुए कार्यक्रम में सकारात्मक भागीदारी की विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाए भाषण दिए एवं पीपीटी पी प्रस्तुतिकरण द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर आदरांजलि दी कार्यक्रम के सफलतार्थ श्रीमती वंदना यादव वंदना बारापात्रे निवेदिता कोचे मंजुषा सरकार रंजना ठाकुर ने सहयोग दिया स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने सहभागी विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जब तक सभी बच्चों को शिक्षा एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती पालक दिन का औचित्य कोई मायने नहीं रखता सभी विद्यार्थियों को प्राइमरी शिक्षा मिलनी ही चाहिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की सफलता करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने सभी विद्यार्थियों को बालक दिन की शुभकामनाएं प्रदान की संस्था के अध्यक्ष रंजित ने के के करते हुए अभिभावकों को भी प्रदान की अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद फानदोत ने रविवार को दोपहर में महावीर नगर स्थित पुलक मंच परिवार के कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी विनोद फांदोत रविवार को एक दिवसीय निजी दौरे पर नागपुर आए थे शाखा के कार्याध्यक्ष रमेश उदयपुरकर ने पुलक मंच परिवार के कार्यों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद फांदोत का शॉल श्रीफल दुपट्टा मोतियों की माला पुष्प देकर प्रकाश उदयपुरकर पंकज बोहरा कुलभूषण डहा सूरज जैन पेंडारी रमेश उदयपुरकर अनंतराव शिवणकर निलय मुधोलकर अतुल महात्मे ने किया विनोद फंदोत ने अपने सम्मान में कहा आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव ने जो सपना देखा था वह काम हो रहा है नागपुर की शाखा देश में सर्वोत्कृष्ट काम कर रही है पुलक मंच परिवार नागपुर में प्रशंसनीय काम किया है जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है कार्यक्रम का संचालन रमेश उदयपुर करने किया आभार प्रदर्शन सूरज जैन पेंडारी ने किया सीमा फंदोत प्रमुखता से उपस्थित थी अंबाजारी उद्यान में लहू सेना द्वारा लहूजी जी सालवे की जयंती मनाई गई महापौर ने लहू सेना के पदाधिकारियों के साथ लहूजी जी सालवे की जयंती बड़े उत्साहपूर्वक मनाई संगठन के कार्यकर्ता लाल झंडे और गले में लाल दुपट्टे लिए जय घोष कर रहे थे और लहूजी जी सालवे का नाम जप रहे थे सेना प्रमुख संजय कतले द्वारा लहु जी अध्ययन आयोग की सिफारिश का तत्काल कार्यान्वयन किए जाने की मांग की गयी अन्ना भाव साठे विकास महामंडल शुरू करें अन्यथा मतंग समाज के विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तीस नवम्बर दो को आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा इस कार्यक्रम में सुशील बाव ने प्रकाश वानखेड़े प्रवीण वानखेड़े योजना लोखंडे प्रमोद कतले हेमंत खड़से दिलीप गायकवाड़ गणेश सालवे दिनेश वानखेड़े दिलीप वानखेड़े संजय थोसर काचेवार आदि उपस्थित थे एडू फर्स्ट आर एक्शन कमेटी के कार्यकाल में बाल दिवस मनाया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद शाहिद शरीफ चेयरमैन आर एक्शन कमेटी द्वारा की गई। इस उपलक्ष्य में पंडित नेहरू की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें आर अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार सम्मानित किया गया इस अवसर पर अतिथि मुश्ताक पठान दीपाली इंगले, मोनू चोपड़े प्रियंका पाटिल रश्मि शर्मा पुरुषोत्तम देशमुख यशवंत मेशराम आसिफ खान फरहद शेख रुखसार सैयद आदि उपस्थित थे मंच संचालन कमल नाम पल्लीवार द्वारा किया गया बच्चे आज का वर्तमान है तो कल के भारत का भविष्य है इनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और राष्ट्रभक्ति पढ़ाना चाहिए तभी भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा ये प्रतिपादन नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने व्यक्त किया वे आजादी के पचहत्तरवी वर्षगांठ में बालक दिन के संकल्प समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे प्रसिद्ध व्यवसायी महिपाल सेठी ने सलाह दी कि व्यक्ति को समय का मूल्य समझना चाहिए कार्यक्रम के अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुकुंद दुबे ने कहा की छात्रों शिक्षकों का यह अक्षुण्ण आजादी का संकल्प है इस कार्य के लिए विदर्भ सेवा समिति साधुवाद की पात्र है विदर्भ सेवा समिति द्वारा आयोजित इस सादे समारोह में पचहत्तर छात्रों के अलावा शिक्षक पालक व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष आनंद निर्माण ने प्रस्ताविक भाषण कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी ने तथा आभार प्रदर्शन सचिव अशोक आर गोयल ने किया अतिथि परिचय सह सचिव प्रशांत मानेकर व कोषाध्यक्ष बाबूलाल नेवटिया व संजय पांडे ने दिया पंजाब राव देशमुख आई ए एस अकेडमी के प्रमुख डॉक्टर नरेश चंद्र कोठोले ने निशुल्क आई ए एस परीक्षा मार्गदर्शन करने की घोषणा की जमात इस्लामी हिंद नॉर्थवेस्ट के तत्वावधान में जाफरनगर के ईदगाह ग्राउंड में यंग एंटरप्रेन्योर फेस्ट 2021 का आयोजन हुआ यह महोत्सव यंग ट्रांसफॉर्मर्स के तहत आयोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यशालाओं की परिणति थी इसमें 10 से 15 आयु वर्ग के 30 बच्चों ने भाग लिया था इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के बीच उद्यमिता मूल्यों को विकसित करने से था इस अवसर पर डॉक्टर वैशाली चोपड़े साकार फाउंडेशन ने विभिन्न बाधाओं के बावजूद सशक्त और समृद्ध समाज बनाने के लिए बेहतरीन कहानी प्रस्तुत डॉक्टर रिजवान अहमद सीईओ ओ डेलाप्लेक्स सॉफ्टवेयर ने प्रतिस्पर्धा बाजार में उद्यमियों को कैसे सफल होना चाहिए इसके गुण और विकल्प सुझाए तनवीर मिर्जा ने गैर सरकारी संगठनों पर चर्चा की जमाते इस्लामी हिंद नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अनवर सिद्दीकी ने अध्यक्ष भाषण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गाइड और मेंटर प्रैक्टिस डायरेक्टर क्लाउड टेक्नोलॉजी विप्रो टेक्नोलॉजी बैंगलोर के खालिद खान ने सत्रों का संचालन किया विभिन्न स्कीट प्रस्तुत किए गए इसमें नेगो ऑरेंज नोमोफोबिया भाषण प्रतियोगिता शतान के साथ साक्षात्कार आदि प्रस्तुति की गई संचार कौशल बातचीत कौशल पार्श्व सोच तर्किक सोच नेतृत्व खेल और परियोजनाओं को आदि भारी प्रतिसाद मिला थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ सेंट्रल इंडिया द्वारा संचालित थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सेंटर द्वारा बाल दिवस मनाया गया कार्यक्रम में थैलेसेमिया मेजर और सिकल सेल रोग से पीड़ित सभी बच्चों ने भाग लिया समारोह की अध्यक्षता बाल रोग विशेषज्ञ व थैलेसीमिया एवं सिकल सेल सेंटर के संचालक डॉक्टर विंकी रुघवानी ने की मंच पर डॉक्टर राज वकील सिद्दीकी डॉक्टर राकेश कृपलानी मोनाली डेकाटे डॉक्टर संगीता रुगवानी थे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई डॉक्टर जयप्रकाश ने परिचयात्मक भाषण दिया एक थैलेसीमिया बच्चे ने बाल दिवस के बारे में बताया वह उन्होंने डॉक्टर विंकी रुगवानी संचालक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सेंटर को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए बच्चों द्वारा कुछ नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए अतिथियों द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कार दिए गए डॉक्टर विंकी रुकवानी ने अपने संबोधन में सभी बच्चों के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी उन्होंने थैलेसीमिया और सिकिलसिल रोग के संबंध में रोगियों और उनके माता पिता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया इस अवसर पर डॉक्टर राज वकील सिद्दीकी और डॉक्टर राकेश रूपलानी ने भी अपने विचार रखे तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज नमस्कार